गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड आज बाबा के साथ कैंपिंग के लिए जाने वाले हैं और शॉन अभी भी घड़ी में अपना सामान रख रहा है। बुल्ली शॉन से कहता है कि जल्दी आओ बाहर शॉन, और कितना टाइम लगाओगे? शॉन कहता है कि बस 2 मिनट बुल्ली, मैं आ ही गया। वैसे बाबा और रॉड आए कि नहीं? बुल्ली कहता है कि अभी नहीं शॉन, मगर वो लोग कभी भी आते ही होंगे। और रॉड गाड़ी से यहाँ आ गया। गुल्ली कहता है कि रॉड वैसे बाबा कहाँ हैं, आखिर वो क्यों नहीं आए? रॉड कहता है कि दरअसल बाबा को कहीं जाना पड़ गया था, इसीलिए वो नहीं आ पाए हैं। ये तो शॉन भागता भागता आ रहा है। अरे ये तो आते ही ढेर हो गया। बुल्ली कहता है कि शॉन गिरना पड़ना बंद करो और जल्दी आके गाड़ी में बैठ जाओ, हमें निकलना है अब। ये लोग जंगल में आ गए हैं। यहाँ पे इन लोगों ने अपना टेंट भी लगा दिया है। बुल्ली कहता है कि रॉड कहीं जंगल में कोई डरावना जानवर तो नहीं है ना, क्योंकि बाबा नहीं है हमारे साथ। रॉड कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, अगर कोई मुसीबत आई तो मैं तुम सबको बचा लूंगा, और वैसे भी ये जंगल पूरा सुरक्षित है। और ये शॉन अपना डरावना सा डांस कर रहा है और गुल्ली इसके लिए तालियां बजा रहा है। शॉन कहता है कि गुल्ली इस तालाब में कोई मछली होगी क्या? गुल्ली कहता है कि लगता तो है शॉन, मगर हम इसमें मछली नहीं पकड़ने वाले हैं। शॉन कहता है कि अरे गुल्ली तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मछली पकड़ने को कह रहा हूँ? और गुल्ली अब सोने लगा है। रॉड कहता है कि मैं भी सोने जा रहा हूँ, तुम दोनों भी आके सो जाओ जल्दी से। और अब ये सभी सोने चले गए हैं। अरे तालाब में से कौन आ रहा है? ये तो कोई जॉम्बी लगता है। और ये तालाब से बाहर आके खड़ा हो गया। और ये तो इसके साथ एक और जॉम्बी आ रहा है। ये दोनों इन लोगों के पास आने लगे। अरे ये तो शॉन को ही लेके जाने लगे। और ये शॉन को अपने साथ तालाब में ले गए। और ये तीनों अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। गुल्ली अब उठने लगा है। दरअसल ये हल्का होने के लिए उठ रहा है। और अब ये वापस आने लगा, मगर इसने शॉन को टेंट से गायब देख लिया है। गुल्ली इन दोनों को उठाना नहीं चाहता है, और इसे लग रहा है कि शॉन भी कहीं हल्का होने ही गया है। और ये भी शॉन को ढूंढने जाने लगा। और इन जॉम्बीज ने तो शॉन को एक ट्यूब में बंद कर दिया है, और लगता है कि ये लोग इस पे कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे तो इविल नन भी है। इसका मतलब इविल नन ने ही इन जॉम्बीज को भेजा था। इविल नन कहते हैं कि तुम लोगों को मैंने काफी सारे लोगों को लाने को बोला था, पर तुम दोनों तो एक ही को लेके आए हो। जॉम्बी कहता है कि वहाँ पे 3 लोग हैं, मगर वहाँ पे रॉड भी है, वो हमें बर्फ में जमा सकता है। इविल नन कहते हैं कि इसका मतलब तुम रॉड से ही डर गए। खैर जाके मॉन्स्टर से बोलो कि उन्हें लाए। ये दोनों मॉन्स्टर के पास जाने लगे। अरे ये तो एक लावा का मॉन्स्टर है। ये दोनों इसके पास आ गए। ये मॉन्स्टर को आवाज लगाते हैं। ये मॉन्स्टर इन्हें देख के कहता है कि क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? जॉम्बी कहता है कि इविल नन ने तुम्हें हमारी मदद करने को कहा है, तुम्हें कुछ लोगों को पकड़ के लाना है, हम तुम्हें उनके ठिकाने तक ले चलते हैं। और अब ये जॉम्बी इस तालाब से झांकने लगा है। और ये जॉम्बी कहता है कि मॉन्स्टर यही है वो जगह। ये मॉन्स्टर तालाब से बाहर आ गया और ये दोनों जॉम्बी वापस चले गए। काफी देर तक शॉन को ढूंढने के बाद भी गुल्ली को वो नहीं मिला, इसलिए अब बुल्ली और रॉड की मदद मांगने आ रहा है। और इसने इस मॉन्स्टर को देख लिया है, और इस मॉन्स्टर ने भी गुल्ली को देख लिया, और ये गुल्ली की ओर ही जाने लगा। गुल्ली से डर के भागने लगा। और रॉड और बुल्ली ने खड़े होकर इन दोनों को देख लिया है, और ये दोनों भी इनके पीछे जाने लगे। यहां से आगे जाने का तो रास्ता ही बंद है, और गुल्ली अब फंस चुका है, और ये मॉन्स्टर भी यहां पे आ गया। बुल्ली और रॉड भी यहां पे आ गए हैं। रॉड कहते हैं कि डरना मत गुल्ली, हम तीनों मिलके इसको हरा सकते हैं। ये मॉन्स्टर कहता है कि अगर तुम लोग मुझे हरा भी देते हो फिर भी तुम अपने साथी को नहीं बचा पाओगे, और जब मेरे साथ यहाँ पे आएंगे तो वो तुम सभी को मार देंगे, और इधर के आसपास के सभी इलाकों को भी वो तबाह कर देंगे। इन तीनों ने मिलकर इस पर हमला कर दिया और इसको मारने लगे। और रॉड के बर्फीली कूप की वजह से मॉन्स्टर हिल भी नहीं पा रहा है, और इन तीनों ने मिलकर इस मॉन्स्टर को मार दिया। बुल्ली कहता है कि इसको मारने में तो बहुत मजा आया,
तुमने देखा ना मैंने इसको कैसे पटक पटक के मारा। रॉड कहता है कि इसने जो बोला वो तुमने ध्यान से नहीं सुना क्या। इसके और भी साथी हैं और यहाँ पे शॉन गायब है। शायद उन लोगों ने शॉन को पकड़ लिया है। हमें शॉन को जल्दी से ढूंढ के बचाना होगा। अरे ये तो एक्सपेरिमेंट की वजह से शॉन भी जॉम्बी बन चुका है। इविलन कहती है कि मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर गया, अब मैं सबको जॉम्बी में बदल दूंगी। तुम लोग जाओ और जितने हो सके उतने लोगों को लेके आओ। दोस्तों अब क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या गुल्लू बुल्ली और रॉड भी अब जॉम्बी बन जाएंगे? और क्या शॉन वापस ठीक हो पाएगा? ये देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।